हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप गेटअप देख के जान सकते हैं, आज बहुत दिन बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूं और आप सबको मेरे तरफ से ईद मुबारक। तो यहां अभी सुबह का 5:30 हुआ है और जल्दी जल्दी लेट हो गए थे, आ गए। पगड़ी भी सही से नहीं बांधा हूँ, मास्क ले लिया हूँ। आए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, बकरीद की जो ईद उल अज़हा है उसका नमाज़ पढ़ने आए हैं। ये अभी मस्जिद है सामने, देख सकते हैं मेरे पीछे, ये मस्जिद है यहाँ पे। और अभी हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे, ईद उल अज़हा का नमाज़ अदा करेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ से निकलेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मस्जिद में अंदर जाके, और अभी नमाज़ भी शुरू होने वाली है थोड़ी देर में। चलिए फिर वीडियो में बने रहिए और मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो गाइस, अभी हम लोग नमाज़ पढ़ के वापस आ चुके हैं अपने रूम में, एकोमोडेशन में आ गया हूँ। और ये तो घर नहीं है, और अपना क्या बोलते हैं, घर वालों को मिसिंग कर रहे हैं। और घर होने से क्या, अभी फिर घूमना फिरना निकलते, कुर्बानी होता, यहाँ तो ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। अब रूम में रहेंगे, अब गर्मी भी ज़्यादा है, बाहर निकल नहीं सकते, और सबको मिस कर रहे हैं अब सबको। चलिए फिर रहता हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगा आपको। और मैं ये तो अभी अपना ईद का एक छोटा सा नमाज का ब्लॉग हुआ है, और घूमने का कहीं जाने का प्लान है, वहाँ जाके ये दोनों ब्लॉग को ऐड करके एक बड़ा ब्लॉग मैं दूंगा आप लोग को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो गाइस, जो आप अभी वीडियो देखते हुए आए हैं, जो ईद के नमाज वाली वीडियो में मैं आपको उस वीडियो में बोला कि हम लोग दूसरा एक ब्लॉग बनाएंगे, उसमें ऐड करके आप सबको एक ही ब्लॉग बना के मैं यूट्यूब में डालूंगा। तो ऐसा हो नहीं पाया, तो मैं आज ईद के दूसरे दिन ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो उस दिन कुछ प्लान बन नहीं पाया, गर्मी था ज़्यादा, कोई साथ में भी नहीं मिला जाने के लिए, मैं उस दिन जा नहीं पाया, वीडियो बना नहीं पाया। तो आज बना रहा हूँ, आज आया हूँ। और एक अभी गर्मी है, देखो 6 बज रहे हैं शाम का, 6 से ज़्यादा हो गया है, लेकिन गर्मी देखो कितना है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो मैं कोई इंडोर का प्लान बनाया हूँ जाने का, तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ में, इंडोर जाते हैं और आपको दिखाऊंगा और शेयर करवाता हूँ। सो गाइस, जैसे कि मैं आप लोगों को कहा था कि मैं लोकेशन में आते ही आपको शो करवाता हूँ, तो मैं लोकेशन में पहुँच चुका हूँ। आप देख सकते हैं मेट्रो स्टेशन पे हूँ, और ये जो मेरा लोकेशन रहा इसे देख सकते हैं आप, मॉल ऑफ एमिरेट्स। और देख सकते हैं लोकेशन कितना अच्छा हुआ है, लगभग शाम होने वाला है, और मेरे साथ में एक ख़ास मेहमान है जो कि हमारे प्यारे डैनी बॉस। डैनी बॉस, जरा व्यूअर्स को हाय हेलो बाय कर दीजिए, जो भी, बहुत दिनों बाद में मुलाकात हुआ है, आए हैं दुबई में, अभी विजिट में हैं, जॉब सर्चिंग चल रहे हैं। कुछ अगर हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डैनी भाई के लिए बताएं, जॉब मैकेनिकल फील्ड में जो भी है। और चलिए अभी मैं नीचे जाते हैं हम लोग, फिर हम लोग आ चुके हैं नीचे। नीचे मतलब पहले जो वीडियो आप देख रहे थे हम लोग वहाँ से शूट किया था, अभी नीचे आ चुके हैं। देख सकते हैं आप लोकेशन, जरा कैमरा राउंड करके दिखा दीजिए।
गर्मी में पानी सूख चुका है। चलिए फिर अभी हम लोग अंदर जाके, अंदर माहौल भी अच्छा होगा और इंडोर का टेम्परेचर भी अच्छा है, अंदर अंदर ही फोटो और वीडियो बनाएंगे। अभी यहाँ गर्मी में ठहरना मुश्किल हो रही है। चलिए फिर वीडियो में बने रहिए। सो गाइस, वी आर एंटरिंग टू द मॉल और आप जैसे देख सकते हैं कितना भीड़ है यहाँ पे। जानू भाई भी भीड़ का मजा लेते हुए जा रहे हैं। चलिए अभी सेंटर में जाके वीडियो बनाते हैं अच्छे से। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाना है, तो घूमते घूमते आ गए हैं। एक अच्छा लोकेशन लगा है इधर देखे। चलिए देखते हैं क्या है अंदर। आइए, गाइस देख सकते हैं लोग का इंटीरियर। तो गाइस बहुत घूम घूम के थक गए हैं और भूख भी लग रहा है। क्या जाने भाई, भूख लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बहुत भूख लग रहा है। तो कहाँ पे अभी फूड कोर्ट खोजना पड़ेगा इधर, यहाँ पे कहाँ है मैप में भी बता रहा है, इधर उधर कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। चलिए हम लोग फूड कोर्ट अभी पहले खोजते हैं, फिर उसके बाद चलिए ऊपर भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद में जाएंगे फूड कोर्ट में। आपको वीडियो बनाना पड़ेगा, भूख भी लगा है बहुत तेज़ी से, तो खाने का भी फिक्र करना पड़ेगा ना, ऐसे घूम घूम के टाइम नहीं खराब कर सकते। गाइस अभी हम लोग जो फूड कोर्ट खोजते खोजते अच्छी जगह में आके पहुँचे हैं। अब तक का मुझे सबसे अच्छा लोकेशन ये लगा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पीछे देखें, पीछे देखें पूरा स्टार्टिंग टू एंड तक ये जो डिज़ाइन लग रहा है, वाह भाई कमाल की डिज़ाइन है। अभी हम लोग बाहर आ गए हैं, फूड कोर्ट गए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ था तो इसलिए हमको बाहर आना पड़ा। बाहर आके अभी दूसरे रेस्टोरेंट आए हैं, वहाँ पे ऑर्डर कर रहे हैं हम लोग, ऑर्डर कर रहे हैं, मेनू देख रहे हैं अभी, तो ऑर्डर करेंगे फिर उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। वहाँ पे थोड़ा लफड़ा हो गया जानी भाई को, उनको चोट लग गया पैर में, थोड़ा से स्केलेटर में पैर फिसला चला है, वहाँ पे लेट हो गया। फिर फूड कोर्ट जब गए, फूड कोर्ट में इतना भीड़ देख के हालत ख़राब हो, खड़े होकर वेट नहीं कर पाए, बाहर आ गए, बाहर खाएंगे फिर आपको धीरे धीरे वीडियो एंड करें। चलिए फिर जानी भाई कंफ्यूज है, इधर उधर देख रहे हैं। अब मुझे लग रहा है वो मुझे भी उनको हेल्प करना पड़ेगा करने में। जानी भाई कुछ तो कर लो, जल्दी कर लो, बहुत तो गाइस खाना हम लोग का हो गया ख़त्म। यानी भाई अब क्या फील बेटर हो रहा है खाने के बाद? या फील बेटर, मैं सजेशन दूँगा कि फूड कोर्ट में ना खा के यहाँ बाहर खाएंगे तो अच्छा है, अच्छा खाना भी मिलता है और दिल भी खुश होगा, पेट भी खुश होगा, हर कोई चीज़ खुश होगा। तो ये रहा था वो रेस्टोरेंट, अच्छा रेस्टोरेंट, खाना वाना सब अच्छा था और प्राइस भी सही है, अफोर्डेबल है। और अभी हम लोग जा रहे हैं, नाइट भी हो गया ज़्यादा और निकलेंगे। मॉल ऑफ एमिरेट्स का टूर ख़त्म है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर में नेक्स्ट वीडियो आएगा। चलिए और जाते से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब करते हुए जाइए। और फिर थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।